तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जिसका पेपर कोड दोस्तों सीबी है। ये पेपर दोस्तों शिफ्ट वन में पूछा गया था 30 मई 2019 को ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पेपर में दोस्तों टोटल 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो सामान्य बुद्धि परीक्षण से 50 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन, और सामान्य विज्ञान और अंकगणित से 50 क्वेश्चन, और सामान्य हिंदी से भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसके पहले के वीडियो में मैंने सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान से जो 50-50 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, उसको सॉल्व करवाया था। आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के जो 25 क्वेश्चन है उसको देखेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आप लोगों का जनरल साइंस से क्वेश्चन, जो 25 क्वेश्चन, ठीक है, जनरल साइंस से पूछे जाते हैं मंडी परिषद में, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके आगे के वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन जो मैथ के हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। तो जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था ब्रह्मोस मिसाइल की सर्वोच्च सुपरसोनिक गति मैच, यहाँ पर खाली जगह है, ठीक है, कितनी है, ये पूछा गया था। चार ऑप्शन थे, 0.8 से 1, 1.8 से 2, 2.8 से 3, 3 से 4.8। तो यहाँ पर दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की जो सर्वोच्च सुपरसोनिक गति होती है मैच, वो कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 2.8 से लेकर 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट पूछा गया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वास्थ्यकर वजन बढ़ने से बचने के लिए कुल वसा कुल ऊर्जा सेवन से खाली जगह अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कितना परसेंट अधिक नहीं होना चाहिए, ये पूछा था। तो यहाँ पर दोस्तों 30% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से दोस्तों पूछा गया था, नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर खाली जगह ऊर्जा प्रदान करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा हमको मिलती है पर ग्राम से, ठीक है। तो चार ऑप्शन थे, 8 किलो कैलोरी पर ग्राम, 12 किलो कैलोरी पर ग्राम, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, 16 किलो कैलोरी पर ग्राम। तो कार्बोहाइड्रेट से जो ऊर्जा प्रदान होती है हमको मिलती है, वो कितनी मिलती है, तो वो मिलती है दोस्तों 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमको मिलती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है, ठीक है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं दोस्तों, वो होते हैं ए, डी, ई और के, ठीक है। तो ये सारे तो वसा में घुलनशील होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है वसा में कौन सा घुलनशील नहीं है, तो ए तो है, ठीक है, और ई भी है, के भी है। यहाँ पर जो विटामिन सी है, ये वसा में घुलनशील नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है, विटामिन सी। ओके, उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं, विटामिन सी, मतलब कि बादाम में कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई दिया था। तो यहाँ पर जो विटामिन ई है, ये बादाम में सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, मतलब कि पानी में कौन सा घुलनशील नहीं है, कौन सा विटामिन, रेटिनॉल, थियामिन, राइबोफ्लेविन और नियासिन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था दोस्तों, वो था रेटिनॉल, ठीक है। तो रेटिनॉल जो है, ये ऐसा विटामिन है जो कि पानी में घुलनशील नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर था। उसके बाद से नेक्स्ट था, शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए खाली जगह महत्वपूर्ण है, मतलब हृदय की मांसपेशियों को काम करने के लिए कौन सा यहाँ पर जो एलिमेंट है वो ज़रूरी है, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज और पोटेशियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा पोटेशियम, ऑप्शन नंबर डी। जो पोटेशियम है, ये हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए ये उपयोगी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में खाली जगह नहीं होता है, ठीक है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके नहीं होने से हमारे शरीर में लाल जो RBC है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, वो नहीं बन पाता है, तो ऐसा कौन सा विटामिन है। तो चार विटामिन के नाम दिए हैं, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, फोलेट, विटामिन B12, ठीक है। किसकी कमी के कारण RBC नहीं बन पाता है, तो यहाँ पर दो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसकी कमी से RBC का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो पाता। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट था, एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या कितनी होती है, मिलियन में पर मिलीमीटर क्यूब, ठीक है। तो
तो यहाँ पर चार ऑप्शन थे, 2.5 से 4.5, 6.5 से 9.5 और यहाँ पर 4.6 से 6.2 और 9.6 से 12.2। तो कितनी होती है सामान्य संख्या? तो ये होती है दोस्तों आप लोगों का 4.6 से 6.2 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर खाली जगह है, में प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन विटामिन सी फोलेट आयरन मैग्नीशियम कैरोटीनोइड फाइटोकेमिकल और प्रतिक्षारक पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें? दुग्ध उत्पादन में, बेरी में, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग में या साबुत अनाज में। तो किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है दोस्तों गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में, ठीक है। ये सारे जो विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन विटामिन सी फोलेट आयरन मैग्नीशियम कैरोटीनाइड और फाइटोकेमिकल हैं, ये सारे प्रतिक्षारक किसमें पाए जाते हैं? गहरे हरे रंग के पत्तेदार साग में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था, खाली जगह में प्रतिक्षारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने के में सहायक होते हैं, खनिज एमिनो एसिड वसा फाइटोन्यूट्रिएंट्स। मतलब ऐसे कौन से हैं जो प्रतिक्षारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रखते हों जो मानव शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था दोस्तों फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, जल प्रक्रमण संयंत्रों में घुले हुए ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? ऑक्सीकरण और निष्पंदन, सक्रियता, कार्बन और एयर स्ट्रिपिंग, रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज, ऑक्सीकरण फिल्टर, हरी रेत और यांत्रिक फिल्टर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था रिवर्स ऑस्मोसिस, आसवन और आयन एक्सचेंज, ओके। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक संगमरमर का एक प्रमुख घटक है? मैग्नीशियम सल्फेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये संगमरमर का एक प्रमुख घटक है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? 5 हर्ट्ज, 50,000 हर्ट्ज, 100 हर्ट्ज और 1,00,000 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर जी सी 100 हर्ट्ज, ठीक है। 100 हर्ट्ज की जो आवृत्ति की ध्वनि होती है वो मनुष्य द्वारा श्रव्य होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक, खाली जगह है, 32 डिग्री फारेनहाइट, 100 डिग्री फारेनहाइट, 212 डिग्री फारेनहाइट, 373 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 212 डिग्री फारेनहाइट, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री, खाली जगह है, ठीक है। तो क्रोमियम, टंगस्टन, निकल और प्लेटिनम। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टंगस्टन, ओके। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? पौधों में प्रकाश संश्लेषण, मोम का पिघलना, पानी का संघनन, पौधों में वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का वो था दोस्तों पौधों में प्रकाश संश्लेषण, ये एक प्रकार की रासायनिक परिवर्तन प्रक्रिया है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा कीमती पत्थर एक तत्व से बना है और एक यौगिक नहीं है, ठीक है। तो यहां पर चार ऑप्शन थे, पन्ना, याकूत, हीरा, ताश्म और हीरा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी हीरा जो है वो एक तत्व से बना है लेकिन एक यौगिक नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक साधारण लोलक की समय सीमा, यहां पर डैश दिया है, पर निर्भर करती है। लोलक की लंबाई पर, जो साधारण लोलक की समय सीमा होती है वो किस पर निर्भर करती है ये पूछा है। लोलक की लंबाई पर, लोलक भाप के द्रव्यमान पर, लोलक के तंतु में तनाव पर, लोलक की सामग्री के घनत्व पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों लोलक की लंबाई पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसके बाद से नेक्स्ट था, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से डैश होता है, मतलब हमारे जो पेट में स्थित पाचक रस होता है उसमें मुख्यतः क्या होता है ये पूछा है। गंधक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये हमारे पेट में स्थित पाचक रस में ये उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, डैश, मानव हृदय का सबसे बड़ा सबसे मजबूत कक्ष होता है कौन सा? दाहिना निलय, बायां निलय, बायां अलिंद, दाहिना अलिंद। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था बायां निलय, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? हीलियम, रेडियम, यूरेनियम और एक्टिनियम। चार ऑप्शन थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था, वित्तीय वर्ष 2018 मतलब 2018 के करंट अफेयर पर बेस्ड था, ठीक है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था $17 बिलियन, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी $17 बिलियन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट था, नेक्स्ट क्वेश्चन 124, ये भी 2018 के करंट अफेयर पर बेस्ड था। CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डैश नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिज़ाइन और विकास किया जा रहा है। विमान सरस, गरुड़ और हंस, ठीक है कौन सा है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सरस हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद से जो लास्ट क्वेश्चन था हमारे सामान्य विज्ञान से, भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष IITM भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान डैश में स्थापित किया गया, हैदराबाद, रुड़की और कानपुर और पुणे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पुणे, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने UP SSC मंडी परिषद के जो 25 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से पूछे गए थे वो हमने आप लोगों को सॉल्व करवाया, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के UP SSC पैट में भी पूछे जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले 25 क्वेश्चन मैथ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।